हाल में बजट 2024-25 में बिहार के विष्णुपद और महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना की घोषणा कर दी गई है। आपको अवगत करा दें, बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर इस क्षेत्र में सांस्कृतिक स्थल हैं तथा इनके लिए कॉरिडोर परियोजना बनाई जाएगी। अब विष्णुपद मंदिर के बारे में जाने तो भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर बिहार राज्य में है। यह गया जिले में मोक्षदायिनी फाल्गु नदी के किनारे पर स्थित है। याद रहे, इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1787 में किया गया था। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर लगभग 1000 फीट ऊंचा है तथा इसमें 44 स्तंभ हैं। अब अगर महाबोधि मंदिर के बारे में जाने तो यह बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है तथा यह मंदिर महाबोधि वृक्ष के पूर्व में स्थित है। बता दें, मूल संरचना मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई थी। हालांकि गुप्त काल के अंत में इसे पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया गया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी का है। ध्यान रहे, महाबोधि मंदिर का स्थल बुद्ध के जीवन और उसके बाद की पूजा से जुड़ी घटनाओं का असाधारण अभिलेख उपलब्ध कराता है। जैसा कि आप जानते हैं, महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े 3 स्थल नेपाल में लुम्बिनी जहाँ जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में सारनाथ जहाँ पहला उपदेश दिया और कुशीनगर जो मृत्यु से संबंधित है। याद रहे, इस स्थल को 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी? आप HP सोलंकी स्टडी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।